उन्होंने कहा कि मैया कि गुर पत्नी ने विप्र खुदा माँ को यार भली बात समझायो सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी को चना दिए तो मेरे श्रोता गड़बंद इधर भगवान कन्हैया आ गए हैं और बड़ी हंसी खुशी से जाते हैं। जैसे ही हंसी खुशी से गए एक बयाबीन जंगल में पहुंचे। जब बयाबीन जंगल में पहुंचे अब उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर से वृक्ष पर चढ़ गए भगवान कन्हैया। सुदामा नीचे खड़ा है, लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर रखता जाता है, इकट्ठी कर रहा है और कन्हैया ऊपर से डाल रहे हैं। अचानक पेड़ पे चढ़ा, हम अकेले चावले गए, उसके दिल में कपट आ गया और जब कपट आया मेरे श्रोता गड़बंधु की मोहन ने कट कट सामने सुना और बोले भैया क्या खाना है कचो हो तो लिख मो तू दे दे तम भूख लिख ला जाता है।
एक चांदी का मुकुट। हमारे भैया कथा मालिक माननीय चरण सिंह जो हैं और जो हमारे 37 रूप सोपाली फूफा जी को लेकर के गए थे कथा की बुकिंग करने के लिए, इन दोनों लोगों का ही हाथ है जो हमारा यहाँ पर आना हुआ है। एक चांदी का मुकुट यानी 7.5 तोले का है, सम्मानित कर रहे हैं हमारी इस बहन आराधना को। एक सूट हमारे सभी आवाज बैठ गई कलाकार भैया के लिए एक एक जोड़ी पैंट शर्ट। और 20-20 रुपए इन लोगों को साथ में दान में दिए हैं हमारे सहित। ये सम्मान माननीय चरण सिंह भैया कथा मालिक उन्होंने किया है। आशा करेंगे कि प्रभु इन्होंने हमें चांदी का मुकुट दिया है और भगवान इनको सोने का मुकुट दिया है। हमारी भगवान से यही आशा है कि भगवान इनको यहाँ तक बढ़ा दे कि मुझे इन्होंने चांदी का दिया है लेकिन इन्हें भगवान सोने का प्रदान करे। कि कपटी बोल रहा क्या है, कि कपटी बोल रहा क्या है, दातन को की कसता है। जब ये लोग वहां से जुदा हो गए दोनों लोग अलग अलग कन्हैया द्वारकाधीश राजा बने और सुदामा दर दर के भिखारी हो गए। सुशीला नाम की लड़की से शादी हुई थी। दिन के दिन करीब होते जा रहे हैं मेरे श्रोतागण बंधुओं। जब ये दिन के दिन करीब होते जा रहे हैं आज सुदामा के पास इतना भी नहीं है